सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर जिला के मुखिया अशोक कुमार, थाना सरैया, ग्राम पंचायत राज रामपुर, जिन्होंने बताया हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है और कैसे विकास हुआ है, इनकी जानकारी हम अशोक जी से लेते हैं। आइए हम देखते हैं अशोक कुमार जी द्वारा किया गया विकास। जी है बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में, और आइए इन्हीं के द्वारा इनका परिचय जानते हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं अशोक कुमार, ग्राम पंचायत राज रामपुर, हम मैडम मुखिया हैं। सरैया थाना अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ आज मैं सबसे पहले अपने पंचायतवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के विकट परिस्थितियों में चुनाव पर कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, बाढ़ से झेलते हुए, क्योंकि हमारे सभी पंचायत के सभी हमारे पंचायत के सभी वार्ड बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, फिर भी धैर्य के साथ उन्होंने बाढ़ का सामना कर रहे हैं। हमारे पंचायत में जितनी भी योजनाएं आज तक आई है या विगत 5 वर्षों का, उसका सही और सफल संचालन होते आया है। आज जहां तक मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की बात है, वह हमारे 15 जो वार्ड है सभी वार्डों में सफलतापूर्वक जल नल योजना 1 साल पूर्व ही पूर्ण हो चुका है। उसके सारी कागजात का कार्य भी पूर्ण हो चुका है, वह रिकॉर्ड में भी लोड किया जा चुका है। उसके बाद गली नली योजना के तहत लगभग हम 4800 फीट हमने काम कराया है, पक्कीकरण का PCC कराया है, और लगभग 7000 फीट हम लोगों ने सोलिंग कराया है, जो हमारे पंचायत में लगभग अब सोलिंग कार्य वंचित नहीं है। इसके अलावे प्रकाश की भी व्यवस्था मैं किया हूँ, लगभग 200 पुलों पर प्रकाश की व्यवस्था किया हूँ, जिससे हमारे पंचायत जब भी लाइन रहती है तो जगमगा उठती है। यहाँ वृद्धजन पेंशन योजना या अन्य पेंशन योजना के तहत लगभग 900 लाभुकों को मैं पेंशन योजना के तहत लाभ पहुंचाया है। 148 आपका हमारे पंचायत में जो पूर्व से बकाया था आवास योजना, उसको पूर्ण कराया गया है। हमारे पंचायत में किसी प्रकार से आवास योजना में किसी तरह का लेन देन नहीं हो पाया।